बड़ी खबर के साथ पूरे दिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में बरसात से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, खतरा बरकरार है। 207.08 मीटर तक पहुंचा है यमुना का जलस्तर। तो दिल्ली में नदी के पास के निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। ओखला बैराज के सभी जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। तो हथिनीकुंड बैराज से 2,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कई हाईवे भी बंद किए गए हैं। हालात संभालने के लिए मैदान में है सेना। तो ये बड़ी खबर। तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, खतरा बरकरार बना हुआ है। और देखिए लगातार जो हालात हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे सहयोगी यमुनानगर से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, बारिश से दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा है, यमुना नदी का जो जलस्तर है वो कितना बड़ा है, कितना खतरा फिलहाल नजर आ रहा है? बिल्कुल साधना, आपको बता दूं कि बीते कल जो है बरसात रुकी थी और यमुना के कैचमेंट एरिया उत्तराखंड और हिमाचल में भी जो है बरसात रुकी थी, जिससे जो है इतनी राहत की खबर जरूर आई थी कि हो सकता है अब यमुना में जलस्तर घटे। लेकिन एक बार फिर से बरसात शुरू हो चुकी है और 2 लाख के आसपास अभी भी यमुना में लगातार 2 लाख क्यूसिक के आसपास जो है जलस्तर बना हुआ है और लगातार ये दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है पानी। बीते कल जो है यहाँ पर 3,59,000 क्यूसिक को भी पानी क्रॉस कर गया था, जिसके चलते जो अब 72 घंटे में वो जो है कल का पानी जो है दस्तक देगा दिल्ली में, वो तबाही मचा सकता है। दिल्ली में पहले ही पानी में त्राही त्राही करवाई हुई है। वहीं आपको बता दूं कि यमुना नदी पर जो है प्रशासन हथिनीकुंड बैराज पर तो नजर बनाए ही हुए है, साथ ही साथ जो निचले स्तर जो यमुना के साथ नीचे लगते इलाके हैं उन पर भी प्रशासन लगातार मुस्तैदी किए हुए है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बेलगढ़ में कल जो है पटरी क्षतिग्रस्त हो रही थी, जिस पर जो है एसीएस अधिकारी अरुण गुप्ता और डीसी राहुल हुड्डा भी खुद मौके पर पहुंचे थे और वहां पर जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कि क्योंकि यदि वो पटरी टूट जाती तो उससे दर्जनों गांव प्रभावित हो जाते, लेकिन जो है वहां पर समय रहते जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और वहां पर लगातार मुस्तैदी भी है। वहीं यमुना नदी की बात करें तो जिस तरह से आज फिर बरसात शुरू हो चुकी है, सुबह से ही देर रात से यहाँ पर बरसात हो रही है और कैचमेंट एरिया में भी लगातार बरसात बताई जा रही है, उसके चलते जो है अब जो है दोबारा से जो है जल स्तर बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। जी चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।